सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, आप सब का स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ गाइस यहाँ पे एक और नया मेगलाडन। इंट्रो भी मारने नहीं देती, रुक जाओ रुक जाओ, इस मेगलाडन की पेटी बना देता पट से, लेट्स गो। तो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल रिवॉल्व का, आर्क एजी रिबॉर्न का। और आर्क एजी रिबॉर्न के पिछले एपिसोड में ये खतरनाक और डेंजरस थी जो फ्लेम मेगलाडन है ना गाइस, इसको टेम करने का काम हमने यहाँ पे करा था। और भाई साहब, इसका लुक जो है ना गाइस, वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया भाई। इसकी खास करके आंखें जो है ना गाइस, जिसमें से आग निकल रही है, वो मेरे को काफी ज्यादा कूल लग रही है। और गाइस, आज के इस एपिसोड में हम क्या करने वाले, आज के इस एपिसोड में वैसे मेगलाडन से हमने पिछले एपिसोड में काफी ज्यादा तबाही मचाई थी, इसलिए आज के इस एपिसोड में जो है ना गाइस, हम यहाँ पे कोई और खतरनाक और डेंजरस सा जो है ना गाइस डायनो ढूंढने जाने वाले। ऐसे ही अपन भाई जाएंगे अपना ग्रिफिन को लेकर, और जो भी ओपी वाला डायनो दिखेगा उसको जो है ना गाइस यहाँ पे टेम करने का काम आज अपन करेंगे। गाइस, आज जो भी डायनो दिखेगा उसको तुम्हारा भाई टेम करेगा, डन 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 डन, लेट्स गो। जो भी बॉस दिखेगा उसको तुम्हारा भाई मारेगा। मतलब आज मेरे को पता नहीं गाइस कितने डायनो टेम होने वाले, लेकिन कम से कम 2 से 3 डायनो तो टेम होंगे एकदम खतरनाक वाले गाइस। तो चलिए गाइस, आज का जो एपिसोड है ना एजी रिबॉर्न का, वो शुरू कर देते हैं। और गाइस, हमारे साथ जो ना गाइस हैरी पॉटर सर जो नियो भाई आज जुड़ नहीं पाए, लेकिन कोई ना गाइस कल जो ना गाइस वो आ जाएंगे। और आपके लिए जो ना हम लोग ने, मतलब मैंने जो है ना गाइस यहाँ पे एनी के चैनल पे खतरनाक से जो ना गाइस सीरीज चालू कर रखी है गाइस, खतरनाक एंड ओपी से आर्क पुग्नेशिया की, जो कि काफी ओपी सीरीज मेरे को लग रही है। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस हमारे गेमिंग विद एनी के चैनल का, वहां पे जाके आप वो सीरीज जो है ना जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज का जो एपिसोड है हमारा जो है ना गाइस एजी रिबॉर्न का, वो शुरू कर देते एंड फुल टू तबाही मचाते। और यहाँ पे ग्रिफिन को लेके जाना है ना, ग्रिफिन है कहाँ पे, ये रहा ग्रिफिन ना, ओके ये रहा ग्रिफिन। चलो, मेरे को थोड़ी सी डार्ट चाहिए होगी, बट डार्ट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बताए आपको, मेटल भाई और नार्कोटिक भाई, 3 ही है नार्कोटिक, 2 ही है नार्कोटिक। डार्ट मेरे पास ज्यादा नहीं पड़ेगा इस, मेरे पास डार्ट जो ना कहते अगर यहाँ पे कैलकुलेट करा जाए, एक मिनट रुक जाओ, इसको यहाँ एक काम कर लेता हूँ ना मैं, चिटिन से जो ना कहते वो बनाने के लिए डाल देता हूँ यहाँ पे। सीमेंटिंग बेस की तो हमको काफी ज्यादा जरूरत तो वैसे भी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे सीमेंटिंग पेस्ट बनाने के लिए डाल देता हूँ। एंड ये रहा गाइस 100 बन जा भाई। इसके लिए क्या चाहिए, गैसोलीन चाहिए क्या, वो गैसोलीन नहीं है, इसको इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रही होगी बट गैसोलीन नहीं है। ठीक है, एक काम कर लेता हूँ, फैब्रिकेटर में से नहीं भाई, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फैब्रिकेटर, आइटम कलेक्टर में से, अच्छा इसमें से 100 उठा देता हूँ, रुक जाओ 100 उठा लेता हूँ, डन पुल। ओके, और इसके अंदर डाल देते हैं एंड टर्न ऑन करके फिर वी गो सीमेंटिंग पेस्ट बनाने के लिए डाल देंगे भर भर के भाई। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है गाइज, मैं सोच रहा था कि अभी जो है ना गाइज मेरे को थोड़े से मेटल चाहिए होंगे ना, रैंक बन पाएगी इसके लिए, तो नार्कोटिक चाहिए होगा। एंड नार्कोटिक के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कम पड़ेगी, नार्कोबेरी एंड स्टिम बेरी खाली का है। हेलो, व्हाट द हेल, सच में नार्कोबेरी एंड स्टिम बेरी चाहिए, अरे भाई अब भी ठीक करके देता। चल भाई, पेगासस का इस्तेमाल पहली बार कर रहा है गाइज अपन यहाँ पे एजी रिबॉर्न में भाई। ठीक है, गामा थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, थोड़ी बारिश आ चुकी है ना तो आपको थोड़ा सा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो आ जाओ, वैसे इसके पास तो बेरीज काफ़ी सारी है, इसका वेट भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला है। एक काम कर लेता हूँ, इसके अंदर अपन यहाँ पे अगर डाल देते एफ एम के वाला ये पोशन, लेकिन इसकी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाएगी और वेट भी बढ़ जाएगा। चलो आ जाओ, और बाप रे भाई, अभी तो भाई हल्लू हल्लू चल रहा था, आप अचानक से कौन सी आत्मा आ गई इसके अंदर भाई। ठीक है, स्टीम बेरी और वो चाहिए ना मेरे को, नार्कोबेरी एंड स्टीम बेरी चाहिए। ऑलराइट, वो सारी बेरी जो ना कहते, ओह एक मिनट रुक जाओ, इसके तोड़ने से पीछे देख रहे हो गाइस, इसे लाइन लाइन बन रही है, कूल ब्रो, काफी खतरनाक। रेमबो निकालता ना अपने पीछे से तो और भी ज्यादा कूल लगता, लेकिन कोई ना, चलो थोड़ा सा वुड बीड भी इकट्ठा कर लेता हूँ काफी ज्यादा जो ना। ओ, मेरे को फार्मिंग भी करनी है ना, मैं भूल गया था गाइज, हमको अभी फार्मिंग भी करनी है। तो आज एक काम कर लेंगे, आज जो ना गाइस फार्म भी बना के रख देंगे, ठीक है, और कहीं पे ऊपर साइड रख देंगे, जैसे बारिश आ जाती है ना तो वैसे, एक मिनट रुक जाओ अभी अगर बारिश आई है ना तो, एक मिनट रुक जाओ, बारिश अगर अभी आई है ना तो क्रॉप लॉट कहाँ पे लगा दो, मेरे को ऊपर जाना एकदम टॉप पे भाई। फाउंडेशन दे दे बेटा, फाउंडेशन दे दे, फाउंडेशन गिव मी सम फाउंडेशन, फाउंडेशन लगभग 100 तो नहीं चाहिए बट फिर भी दे दो, चलो 100 की ज़रूरत तो नहीं है बट फिर भी लगभग 30-40 ले लेता हूँ। एंड ऊपर डायरेक्टली जो ना गाइस अपना वो चालू कर देंगे, मतलब क्रॉप लोड लगा के रख देता हूँ, ताकि पानी से जो ना गाइस अभी जो बारिश आई है ना गाइस उसके पानी से इसके अंदर वो वाटर जमा हो सके।
वैसे आपको जो है पाइप भी प्लाइम लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऊपर में क्रॉप लोड लगा देते हो ना, इसके ऊपर छत भी नहीं लगाते हो ना, तो बारिश से जो पानी आता है ना, उससे आपके क्रॉप लोड बड़े आराम से जो है ना फुल हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कितना है भाई? 1, 2, 3, 4 इनफ है क्या? एक और इधर लगा डालता हूँ। और वाइट हियर वी गो एंड डन आई थिंक ना, थोड़ा आगे साइड भी लगा लेता हूँ, थोड़े से ज़्यादा ही जो ना कि फार्मिंग शार्मिंग कर लेंगे अपन। अरे यार टेढ़ा लग गया, चलो कोई ना, टेढ़ा है पर मेरा है। हियर वी गो इनफ हो जाएगा ना? हाँ, यहाँ से थोड़ा सा भाई नीचे उतरने के लिए जगह भी तो बनानी पड़ेगी। यहीं से बना लूँ क्या? ओ नहीं यार, यहाँ से बना लेता हूँ ना, यहाँ से सही रहेगा। यहाँ पे सीलिंग बिलिंग लगा दूंगा गाइस, ठीक है? एक काम कर लेता हूँ, एक और भाई पार्ट इधर बढ़ा लेता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे रेलिंग बिलिंग लगा के जो ना थोड़ा सा भाई डेकोरेट चेकोरेट मार लेंगे अपन। ठीक है भाई, लैडर 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 कौन सी वाली बना लूँ? ये नॉर्मल भाई ये वाली बना लेता हूँ ना गाइस, 10 से काम तो बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देख लेते चलो हियर वी गो, 10 लैडर से तो काम बन जाना चाहिए। क्लाइम डाउन, ओके, ओ नाइस वन, काफ़ी बढ़िया। हाँ मार तो खाया अपन ने, बट अबे एक मिनट रुक जाओ यार, ये तो कांड हो जाएंगे ना गाइज, क्योंकि मेरे को फिर अच्छा मैं थोड़ा सीलिंग शीलिंग लगा लेता हूँ वहाँ पे, सीलिंग जाके लगा लेता हूँ, उससे काम हो जाएगा गाइज अपना। थोड़ा सा और आगे साइड आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना गाइज वो थोड़ा दिक्कत दे देगा। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे छोटू सा ही फार्म बनाने वाले, एकदम बड़ा सा और ख़तरनाक सा फार्म नहीं बनाने वाले। फाउंडेशन ओपन, अरे हेलो, अच्छा इसको भी उठा ले फाउंडेशन को, ओके ठीक है। चलो यहाँ पे भाई अपन लगा डालते हैं भाई एक सीलिंग और, अच्छा फाउंडेशन लगा देने ना पहले, ओके ओके ठीक है डन। एंड देन यहाँ पे लगा देंगे अपन सीलिंग भाई, ठीक है, हियर वी गो। एंड इस सीलिंग पे अपन लगा डालेंगे लैडर्स, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो? ठीक है, या फिर एक और कर लो आगे। ओए अरे मरना जाओ, अरे मैया पानी के अंदर गिर गया भाई, बच गया भाई, उतने ऊपर से गिराओ। ठीक है गाइस, मैं जो ना गाइस उसका डिजाइन जो ना गाइस अपने ग्रीन हाउस को फटाक से कंप्लीट कर लेता, फिर उसके बाद आपसे मिलता भाई। ठीक है, ग्रिफिन भी ऊपर ही रहेगा, आरजी को लेके जाना पड़ेगा लग रहा है अभी ऊपर। एक और लैडर चाहिए होगी गाइस, अपना जो ना गाइस ऑलमोस्ट सारा काम जो ना गाइस हो चुका है यहाँ पे खत्म भाई। ठीक है, ये लैडर जो ना बारिश जाने से पहले उम्मीद कर रहा हूँ। अरे यार यहाँ पर नहीं लगी क्या? यहाँ से डायरेक्टली ऊपर, अच्छा यहाँ से तो क्लाइंब अप कर सकते हैं ना गाइज। ठीक है भाई, क्रॉप लोड बना ले भाई, क्रॉप लोड चाहिए होगी मेरे को भाई। क्रॉप लोड के लिए मेरे को नहीं लग रहा स्टोन जो है ना गाइज भाई इनफ होगा अपने पास, या फिर अरे स्टोन तो अपने पास भर भर के। अरे यार कल तो मैं अपने पैरासोरस से स्टोन भी हार्वेस्ट करके लेके आया था ना गाइज, वो अतरंगी पैरासोरस जो ऐसे करके भाई चिल्लाता है भाई। ठीक है, उससे तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्टोन भी इकट्ठा करके लेके आया था। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे जो ना गाइस मेरे को क्रॉप लोड लगाने, तो इसके अंदर पानी शानी जो है ना गाइस वो बारिश से ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा। मेरे को खास कुछ जो मेहनत है ना गाइस वो यहाँ पे करनी नहीं पड़ेगी। हो गया क्या 600 वाटर तो जमाना है और अभी तक यार पानी, अरे बारिश रुक गई क्या? 16 वाटर जमा हुआ है गाइस, 16 वाटर जमा हो गया। एंड देन उसके बाद जो है बारिश ही चली गई, मतलब अपना जो मास्टर बाय डिज़ाइन है गाइस वो कंप्लीट करने तक बारिश जो है ना गाइस वो स्वाहा हो गई गाइस यहाँ पे, या फिर अभी तक स्टिल पड़ रही है। 33 हो चुका है, पता नहीं गाइज कब तक जो ना गाइज यहाँ पे बारिश रुकेगी, बट देखते हैं। चलो क्रॉप लोड और कितने चाहिए होंगे? आई थिंक भाई 15 और क्रॉप लोड की जरूरत पड़ेगी अपन को। ठीक है, 6 बन सकते हैं क्या? आई थिंक स्टोन की कमी हो जाएगी थोड़ी सी लग रहा है मेरे को, क्या कम पड़ रहा है भाई? चला गया यार, बारिश चलेगी लेकिन कोई ना, चलो क्रॉप लोड लगा के रख देते खाली। 10 सी स्टोन की जरूरत पड़ेगी, मैं बोला था गाइज अपन को थोड़ा स्टोन चाहिए होगा। चलो मैं स्टोन लेके आ जाता हूँ, एंड अपना जो ना गाइज ये वाला जो काम है ना गाइज वो कंप्लीट कर लेंगे भाई। अरे भाई साहब वैसे हवा में से भाई, अरे चलना डायरेक्टली नीचे उतर दे भाई। वैसे भी अपने पास ग्रिफिन है, अपन को वैसे ज़्यादा फॉल डैमेज भी पड़ता नहीं है। लेट्स गो, थोड़ा सा स्टोन जो ना गाइज वो लेके आ जाता हूँ, एंड अपना जो भाई ग्रीन हाउस का काम है ना वो कंप्लीट करने के बाद अपन निकलेंगे गाइज यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं वो करने के लिए, कोई टेमिंग वीमिंग करने के लिए डायनो। स्टोन टूटने के लिए मैं लेके नहीं आया यार कुछ, इससे तो भाई फ्लिंट ज़्यादा मिलेगा स्टोन कम मिलेगा। चलो कोई ना, इसी से काम चला लेता अभी तो। आई थिंक 4000 स्टोन से जो ना गाइस काम बन जाएगा, देखते चलो आ जाओ। कितने चाहिए ना गाइस यहाँ पे पहले क्रॉप लोड देखने दो मेरे को। 1, 2, 3, 4 क्रॉप लोड चाहिए ना, क्रॉप लोड भाई 4 ही बना लेता हूँ, एग्जैक्टली 4 बनाऊंगा मैं। ज़्यादा जो है ना गाइस रिसोर्स अपना वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, 4 क्रॉप लोड देने अपन को बना लेने गाइस रेलिंग शेलिंग भाई। ठीक है, रेलिंग बना डाल लगभग भाई 15 20 बना देता। ठीक है, रेलिंग 20 बन गए ना? हाँ भाई ठीक है, चलो फिर
फिर अपना हो गया गाइस काम 25। इधर आ भाई ग्रिफिन। एंड अपना जो भाई ग्रीन हाउस तो नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा सा खेती बाड़ी करेंगे। तो ये खेती बाड़ी का जो जुगाड़ जो ना गाइस वो हो चुका है। एंड रेलिंग किस लिए, ताकि मैं यहाँ से जो ना गाइस बार बार कूद कूद के नीचे गिर के ना मर जाओ भाई, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से तो अपन ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर नहीं लगाना है, लाइक यहाँ पे एंड इसके ऊपर भी लगा देता हूँ। एक और क्रॉप लोड चाहिए होगा, कोई ना भाई, लगा डालता कोई सीन नहीं है। रेलिंग कम ना पड़ जाए, रेलिंग कम पड़ गई यार, ठीक है। क्रॉप लोड भाई मेरे को बताने का इसकी, अपन को स्टोन जो ना जो अपने पास इनफ है कि नहीं। रेलिंग भी 10 चाहिए होगी कम से कम, और 10 और रेलिंग बना लेता हूँ। ओके बन गई गाइस, कोई सीन नहीं है, 10 से काम तो हो जाएगा ना। ओके हो गया काम, चलो टड़ा। अरे यार डबल की नहीं बननी है भाई, ठीक है। टड़ा गाइस, अभी यहाँ पे बस मेरे को एक क्रॉप लोड लगा देना है। अरे यार मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने एक्स्ट्रा बना दिया यार। चलो कोई ना, जो एक्स्ट्रा है वो फेंक दूंगा। ओके तो यहाँ पे पानी पीनी जो ना है, देखो 58 58 59 58 भाई, ठीक है। ये सारा पानी जो ना गाइस आसमान से जब बारिश गिरती है ना, तो इसके अंदर जो ना गाइस जमा होना चालू हो जाता है। तो हमको इसके अंदर पानी शानी डालने की जो ना गाइस वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपन को भाई जो ना। और ऐसा भाई आया क्लाइम, अरे भाई मेरे को लगा था हवा में क्लाइम करूंगा लेकिन नहीं कर पाया। अपन को जो ना गाइस बस यहाँ पे क्या कर लेना है, वहाँ पे जो ना गाइस सीड डालना है और फर्टिलाइजर डालना है, तो वो काम अपन कर लेंगे। फिलहाल के लिए मेरे को गामा ठीक करके टेमिंग करने के लिए निकलने दो भाई, ठीक है। अब हम निकलने वाले किसी खतरनाक या ओपीजे डायनो को जो ना पकड़ने के लिए, जो भी हमको मिलेगा गाइस, ठीक है। एंड ट्रैंक अरोज 9 है, सो मे बी मैं ज़्यादा डायनो को किसी को भाई टेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट अपन किसी खतरनाक और डेंजर से डायनो को तो ज़रूर टेम करेंगे भाई। और अगर मैं अंडा चुरा पाया तो, मेरे को अंडा चुराने का काफ़ी ज़्यादा मन है यार इंडोमेसोरिक्स का, और उनका अंडा कैसे मिलता है ये मेरे को बिल्कुल भी बता नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा खुशी टेमेबल है क्या? अरे यार क्यों टेमेबल नहीं है ये, उसको तो मनचौड़ खा गया भाई वो ट्रॉपिकेंटस। जेट पैक जॉय राइडर बना दूंगा, इसको तो पैसिव टेम है भाई ट्रॉपिकेंटस। ये ट्रॉपिकेंटस कर ले क्या टेम, एकदम हाई लेवल का करप्टेड। अच्छा नहीं, करप्टेड वाला नहीं गाइज। एक काम कर लेते गाइज, हाई लेवल का जो ना गाइज एक ट्रॉपिकेंटस टेम कर लेते हैं भाई। उससे जो ना गाइज फुल टू मतलब ऐसा भाई रेसिंग बिसिंग करने में काफ़ी मजा आएगा भाई। नियो भाई और हैरी आ गया ना सर्वर में, देन अपन जो ना गाइज ऐसे भाई ट्रॉपिकेंटस वो टेम करेंगे। एंड उससे जो ना गाइज अपन करेंगे खतरनाक सी रेसिंग, क्या बोलते हो? मैं जो ना गाइज सबसे पहले एकदम हाई लेवल का ट्रॉपिकेंटस जो ना गाइज वो पहले ही टेम करके रख देता हूं गाइज। मतलब एकदम खतरनाक खतरनाक टीमिंग साइड के कुछ ना कुछ इवेंट अपन करते रहेंगे सर्वर में। ऑलराइट ट्रॉपिकेंटस, ट्रॉपिकेंटस भाई हाँ 1025 30 बाय 25। अरे ये तो नज़दीक है अपने भाई, ये तो भाई यहीं पे आजू बाजू, ये तो आजू बाजू कहीं पे है, थोड़ा संभल के रहना है गाइस, क्योंकि ट्रॉपिकेंटस काफ़ी डेंजरस होते हैं। वो आपको अपने डायनो से नीचे उतार सकते हैं भाई, ठीक है। डायनो से नीचे उतारते हैं डायरेक्टली मुंह में पकड़ के। किधर है 25 एंड 30? अरे ये तो पहाड़ी के ऊपर है भाई, इधर ही कहीं पे है, इसके आजू बाजू बस खतरा हो। 32 पे चला गया, अच्छा इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इस तरफ कहीं पे, ठीक है। पैसिव टेम है ना ऊपर से, अरे नीचे बैठा हुआ हो तो भाई मजा आ जाएगा। ओ व्हाट, फ्लेम से बुर तो टाइगर, तो मैंने क्या टेम कर रखा है? अच्छा तेरे को टेम कर रखा है ना, शायद शायद। ये रहा भाई, ये रहा ट्रॉपिकेंटस एक्सपेंशनल कीपल, ठीक है। रुक जाओ, सारा खतरा पहले भाई वो कर लेता हूँ, ठीक है। अरे एक मिनट रुक जाओ, इसको कीबल खिला दूँ क्या? मेरे इन्वेंट्री में लगा हुआ है कीबल गाइस। अरे बाप रे, खतरा तो काफ़ी ज़्यादा है यार यहाँ पे बेस। अरे भाई वो नहीं निकालना बेस क्या, रुक जाओ। अबे मरो ना अंकल, मर जाओ, ट्रॉपिकेंटस को टेम करना है मेरे को, मर जाओ ना अंकल। अबे मर जा बेस गया, मुझे ट्रॉपिकेंटस बैठा है उधर। हाँ नाइस वन, इसको क्राय कर लो, चलो आ जाओ भाई। ये बंदरवा को भी टेम कर लूँगा, अरे टेम हो रहा है तो पैसिव टेम में अल्फा गिगांतु पिथिकस। अरे आ जाओ भाई, गिगांतु पिथिकस को भी टेम कर लेंगे, कोई अपन को उंगली भी नहीं करेगा। अरे चेन बोला वाला वो सीन है भाई, ये लो भाई बोलो जुबा केसरी, ये भी लाइक बाढ़ में जा रहे हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ए आई क्या चीज, सुपीरियर की बल क्या, ये चेन बोला करके टेम होगा गाइस, ऐसे टेम ना होगा। एक मिनट रुक जाओ, पैसिव टेम वाले को नॉकआउट टेम कैसे करता है ये मेरे को पता है गाइस, ये मेरे को आता गाइस, इसको नॉकआउट टेम कैसे करना अनकॉन्शियस। अरे यार नहीं हो पाएगा बंदर, अरे बंदर ने 1 मिलियन हेल्थ वाले रेक्स को पील डाला। तू ही चे अपनी जान, सुपीरियर केबल किधर है, निकालो बाहर भाई, मजाक ना हो रहा भाई। हेलो, ओ भाई इसके बंदर,
कहाँ से भाई आया तू? भाई इसको तो अरे भाई वाइट टाइगर तू क्यों ने? हाँ मेरे को चाहिए तू, इधर आ। अरे यार कौन जीतेगा इन दोनों में से गाइज? सेबर तू या बंदर? अबे दोनों के आवाज टाइट है भाई। अरे ओरी भैया ओरी भाई 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 लौंडे तेरे में तो दम है रे बेटा, दम तो है तेरे में भाई, मानना पड़ेगा गाइज। बंदर ने कह रही सेबर तू लाड में आया था भाई, तो लाड में आया था भाई गैंग चलाटा कलाना कल भाई कलाना कल। अब बंदर ने चेप डाला वैसे गाइस इसको, रुक जाओ इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, पता नहीं क्या मिले। अरे नॉर्मली चीजें मिल रही है, ठीक है रुक जाओ गाइस यहाँ पे इंतजार कर लेते हैं इसका फुटबॉल डाउन होने का, देन आज तो ओए होए कैसा लूटे। अरे यार अरे कोई उंगली करने जा रहा है, बताओ बताओ भाई क्या टाइमिंग इफेक्टिवनेस मिलेगी अपन को? बाबा जी का ठुल्ला टाइमिंग इफेक्टिवनेस मिलेगी 79। बाहर में जाए नहीं चाहिए मेरे को भाई, नहीं चाहिए। मैं अगले एपिसोड में बंदर टेम कर लूंगा। 79 टेमिंग इफेक्टिवनेस के साथ नहीं चाहिए मेरे को, 100% भाई चाहिए थी मेरे को टेमिंग इफेक्टिवनेस। मैं अगले एपिसोड में बंदर टेम भाई, भाई सबकी बैंड बजा रहा है भाई, 1 मिलियन हेल्थ वाले डायनो को मार रहा है जी अकेला बंदर भाई। बताओ गाइस कितना ज्यादा खतरनाक बंदर है ये, देख रहे हो सेबर तो फ्लेम है क्या ये फ्लेम? सेबर तो टेम अपन ने क्या टेम करा है? मैंने कुछ तो टेम करा, मेरे को समझ ना आ रहा मैंने क्या टेम करा है भाई। फ्लेम सेबर तो टाइगर हाँ क्या लौंडे? अरे रुकना भाई, अरे रुको जरा सबर करो। अबे यार अभी अभी भाई कांड हो जाएंगे भाई, लग रहा है कांड हो जाएंगे गाइज इसके साथ। वल्चर गैंग इसकी बैंड बजा डालेगी गाइज, क्या लगता है आपको? 4,000 हेल्थ वाले वल्चर 50,000 हेल्थ वाले भाई टाइगर को मार पाएंगे? अरे बाप रे माही मार रहा है गाइज इन लोग को, माही मार तो रहा है भाई एकदम तगड़ा वाला गाइज भाई, हवा टाइट कर रखी है भाई। मारते 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 मैं तेरे साथ हूँ, पेल देगा भाई इसका, पेल डाल पेल डाल। मैं हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने इनको मारना चालू करा तो मेरे ऊपर उल्टा अटैक कर देंगे ये लोग, समझ रहे हो गाइज समझ रहे हो? इसलिए मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता बिल्कुल। आप ऐसे सारे अगर ये मार देगा ना तो उसके बाद उसको टेम कर लूंगा। मेरे पास आई थिंक सेबर तो नहीं है, मैंने कुछ और ही टेम कर रखा है गाइज, क्योंकि फ्लेम वाला सेबर तो थोड़ा अलग लग रहा है और उसका डिजाइन मेरे को काफी ज्यादा कूल लगा। ए भाई मैं इस जन्म में मरने वाला हूँ कि नहीं बताओ मेरे को, है कब्जे देखे जा रहा हूँ भाई तुमको। हाँ फाइनल भाई फाइनल डेस्टिनेशन, चल कर ले भाई इसको मार दे। अरे भाई ये जंपे जंपे मार मार के, अरे भाई इसको खाना जरूरी है क्या? पहले उसको मारना जो आसमान में उड़ रहा है बेटा। 2000 हेल्थ बची है, एक बटके में कितना दे रहा है भाई? 2.5 बची है भाई, कितना बचा अभी यार? 2.5 भाई ना बेटा तुमसे ना हो पाएगा लग रहा है गाइस, इससे ना हो पाएगा लग रहा है मेरे को गाइस, ना मार पा रहा है गाइस ये, ना मार पा रहा है गाइस, ना मार पा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बर्निंग अटैक से, अरे बर्निंग अटैक से मर जाएगा लूंडा, बर्निंग अटैक से मर जाएगा। अबे यार तेरे को हर एक से उंगली करना है क्या? ले बेटा बेटा मौत मौत को भाई बुलावा दे रहा है, खाली पुकड़ मौत को बुलावा दे रहा है, बताओ। ये ले बेटा ये ले, खाली पुकड़ मौत को बुलावा दे रहा है गाइस ये ले भाई। ओके भाई क्या रेगुलर केबल चाहिए क्या? रेगुलर केबल 98 है मेरे पास, अच्छा ये क्या डाल दे लो 98 रेगुलर केबल इसके अंदर डाल देता हूँ। एंड मैंने भाई और सेबर दूध जो ना गाइस अगर देखे ना यहाँ पे तो उनको भी टेम कर लूंगा भाई। फ्लेम सेबर दूध शायद मेरे पास नहीं है गाइस शायद, ठीक है मैं थोड़े और देख लेता हूँ। मेरे पास 3 एरो जो ना स्टिल बची हुई है, मेरे को लग रहा है अगले एपिसोड में उनको ग्राइंडिंग जो ना गाइस काफी तगड़ी वाली करनी पड़ने वाली है। ये क्या चीज है? इसको तो भाई टेम ही नहीं कर सकते, तो इसको चेप ही डालता, इसे तो कुछ तो रिपर फ्यूरॉम्स व्यूरॉम्स मिले। ओए क्या कलर है रे लूंडो का, कलर तो भाई खतरनाक है यार फ्लेम सेबर तूत का। वो व्हाइट वाला फ्लेम सेबर तूत जो है ना गाइस वो सबसे ज्यादा ओपी लग रहा था। ओए वो आप भी एक व्हाइट फ्लेम भाई, मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। अबे आ इधर आ इधर आ भाई, वो सफेदी की दुकान चाहिए, वो जिंक पाउडर निर्मा किधर है? उरा उरा उरा, अरे फाइनल तुझे नाना जी टांग। हाँ भाई पूरी दुनिया से पंगे ले ले तू भी, इसके तेरे को और कोई काम भी है कि नहीं है भाई? सेबर तूत क्या उंगली कर दे रहे, देखा मारते मारते उसको मारते फिर तेरे को टेम कर लेता मैं। चल चल ले, 400 के भाई 400 के 100 के चढ़ेगा तो सही है भाई। ये ले अरे पट्ट से हेडशॉट मारने में 200 के टॉर्पोर चढ़ा इसको, मजाक ना कर रहा सच में गाइस, सीधा 200 के चढ़ा है टॉर्पोर। चलो मैं अभी फिलहाल के लिए दोनों को लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो ना गाइस एक्चुअली में कौन सा वाला डायनो था। मैंने एक गाइस कुछ तो टेम करा था, इतना मेरे को पता है कि वो सेबर तूत नहीं था। वो चीज क्या है बाढ़ में जाए टेलीपोर्टर भाई, वो चीज क्या है भाई?
भाई आज ऐसे ऐसे डायनो टेम करूंगा मैं, ऐसे ऐसे डायनो टेम करूंगा, किसी ने सोच चिना होगी भाई। यहाँ पे कुछ तो खतरनाक चीज दिखी मेरे को। अरे हटो ना अंकल। ओ ये वो चीज क्या है? अच्छा भाई यार छोड़ो, ये चीज क्या है? ओह ड्यूड, दो एरो बची है, पट्टे से छोड़ दूंगा देख। ओह शॉक वाले क्या ओपी लग रहे हैं भाई, फ्लेम वाले चाहिए मेरे को। ये वाला ही मैं टेम कर रखा ना। अच्छा मैंने ये वाला ही टेम कर रखा भाई, इसको मैं पहले वो डालता, ठीक है, देन जब इसका खत्म होने वाला होगा तो इसको पट्टे से जो ना गाइस वो डाल दूंगा, ठीक है भाई। अभी तो नॉक भाई टेम भी हो जा, मेरे पास कुछ नहीं बचा भी तेरे को टॉर्पर देने के लिए, पिजा करेगा क्या? अरे भग तो रहा है भाई, लेकिन पॉइजन वाला कुछ है क्या? ग्रिफिन शेपिन अर्जेंटिवी से पॉइजन वाला, पॉइजन अर्जेंटिवी से ना गाइस काम बन जाएगा। रुक जाओ गाइस, अरे टेम करके ही जाएंगे भेज गया। अरे बेहोश भी हो गया। अरे उलाला उलाला गाइस, लेट्स गो लेट्स गो, मजाक हो रहा है क्या गाइस? आई थिंक मैंने फ्लेम वाले सेबर टूथ ही टेम करे थे, बट ये वाला फ्लेम सेबर टूथ और वो वाले फ्लेम सेबर टूथ में काफी ज्यादा जो ना गाइस अंतर है गाइस यहाँ पे। यार ये क्या ओपी लग रही है यार शॉक वाले। ठीक है चलो अभी अपन घर पे चलते हैं और आपको जो ना गाइस मेरे सेबर टूथ की आर्मी दिखा देता हूँ। तुम्हारे लिए मैं बाद में आऊंगा, मेरी सारी एरो जो ना गाइस वो खत्म हो चुकी है, या तो मेरे को बॉस को मारना पड़ेगा या अगले एपिसोड में ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, दोनों में से जो ना गाइस एक चीज करनी पड़ेगी मेरे को। भाई रुक जा पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास कौन से सेबर टूथ थे यहाँ पे। साबर टूथ फ्लेम ही दे यार, दो दो फ्लेम सेबर टूथ दे भाई। यार इनका डैमेज तो मैंने देखी दिखाई दिया था आपको यार, मेरे को लगा कोई नई चीज टीम कर रहा हूँ यार मैं। बड़े सेबर टूथ तो मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं यार। देखो गाइस मैंने इनकी आर्मी बना डाली यार पूरी की पूरी। चलो गाइस ये आर्मी किसी ना किसी तो काम आएगी कभी ना कभी तो। ये देखो गाइस, हाँ कलर भाई काफ नहीं यार डिफरेंस तो है या नहीं है? नहीं सेम ही फ्लेम सेबर टूथ टाइगर इनके भी ऊपर लिखा है और उनके भी ऊपर लिखा हुआ है, समझ ना आ रहा भाई। ठीक है रुक जाओ सबको बाहर निकाल देता हूँ मैं। देखो गाइस ये रे अपने फ्लेम वाले सेबर दूध की खतरनाक सी आर्मी भाई, ठीक है ये देखो गाइस भाई साहब क्या ओपी लग रहे है। लेकिन गाइस ये देखो गाइस क्या बोल दी पब्लिक, कैसे लग रही आर्मी? वैसे इस आर्मी से कोई ना कोई बॉस फाइट लेना बनता है कि नहीं बनता है बताओ गाइस बताओ? ये जो अपनी सेबर दूध की आर्मी है फ्लेम वाली, इससे कोई बॉस फाइट हमको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए नीचे आप कमेंट करके बताना। अगर आप बोलोगे कि बॉस फाइट लो तो इन सारे सेबर दूध को असेंडेड वाला सैडल पे ना के मैं निकल लूंगा कल वाले एपिसोड में सीधा बॉस फाइट करने के लिए, काफी मजा आएगा गाइस। वैसे आपको जो ना गाइस हमारे प्यारे प्यारे से फ्लेम सेबर दूध की जो आर्मी है ना गाइस वो कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना, और अगर अच्छी क्योंकि तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बात आती है यहाँ पे इनके डैमेज की और इनके अटैक्स की, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही डाल रखी है। एक्चुअली मैंने पहले ही ये जो ना गाइस ये देखो ये वाला फ्लेम सेबर टूथ गाइस टेम कर रखा था और इसकी जो ना गाइस मैंने वीडियो डाल रखी है वो जाके आप देख सकते हो। अगर इनका डैमेज भी मैं दिखाऊं ना तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और इसकी भाई डरावनी सी आंखें तो देखो क्या डेंजरस लग रही है भाई साहब, कोई भी डर जाएगा गाइस। रात में अगर ये खड़ा होना अंधेरे में इसकी आंखें देखी कोई भी डर जाएगा, दिन में काफी डरावनी आंखें लग रही है यार इसकी। सही है चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में थोड़ी सी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी एंड देखते हैं अगर टाइम मिला तो कुछ डायनो भी अपन टेम कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस। And how careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.